पूरे भारतवर्ष और एबीपी नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमें बताइए, ये जो आपने जो विक्रम रचा है, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत तो जी सबसे पहले तो घर से ही होती है, घर के सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेडियम में जाते हैं, तो फिर स्टेडियम में गांव गया, वहां पे कुछ सीनियर मिले तो उनकी बदौलत आज यहां पे उनको देख के मैंने शुरू किया, और फिर उसके बाद अपने आप कुछ रास्ते खुलते चले गए और सपोर्ट भी मिलती चली गई, तो सभी तरफ से तो सभी ने सपोर्ट किया, फेडरेशन ने और हमारी टॉप साई JSW स्पोर्ट्स और उनकी स्पोर्ट्स से मार। यहाँ पे किसान का लड़का आज जापान में आके ओलंपिक जीतता है, और वो भी 125 साल के बाद भारत को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज है, आप कैसे देखते हैं इस जीत को? तो मुझे लगता है कि ये जीत बहुत ही ज़रूरी थी, और मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि ये मेरे द्वारा की गई है, और मुझे लगता है कि इस मेडल से और आने वाला जो यूथ है और बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स करेंगे या जो कर रहे हैं, उनके मन में एक नई आग पैदा हुई कि हम भी मेडल इस लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि ये हो गया अभी, और हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने और जो हॉकी ने पहले किया था, ऐसे गोल्ड हमारे पहले भी आए थे, लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा पहली बार हुआ है। तो आपने कहा ये मेडल आप मिल्खा सिंह को समर्पित करना चाहते हैं, क्या यादें जुड़ी है? मुझे लगता है कि क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सपना था, और उन्होंने जो इंडियन एथलेटिक्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को जो इतना अपना इतनी मेहनत और इतना इतना दिया है, उन्होंने मेडल भी दिए हैं और इतना नाम दिया है, तो मुझे लगता है कि एक उनका सपना था जो ओलंपिक में मेडल जीतने का था, वो नहीं पूरा हो पाया था, लेकिन वो बोलते थे कि ऐसा कोई इंडियन एथलीट आए जो मेडल जीते या अपने देश का राष्ट्रगान वहाँ पे बजे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वो आज हुआ है, लेकिन आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आज ये मेडल अपने पास है और वो ज्यादा में खुश हूं। जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था तो आपकी उम्र केवल 18 साल की थी, 11 साल की थी, आपने वो बिंद्रा का मेडल देखा था जीतते हुए? नहीं, उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स भी शुरू नहीं किया था, तो मुझे इतना उस टाइम नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ अभी जब मैंने शुरू किया तो तब पता चला कि वो अकेले ऐसे इंडिविजुअल एथलीट हैं जो जिन्होंने बिंद्रा जी से कुछ बात हो पाई है। अभी तो नहीं हुई, लेकिन मैं मिला था उनसे एक बार मोहाली में, तो काफी अच्छे से उन्होंने बात की और काफी भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी आपको बधाई दी है, क्या कहा उन्होंने स्पेशली? उन्होंने यही कहा कि आपने बहुत एक भारत को एक गर्व का पल दिया है, और आपको देख के और जो आने वाली यूथ है, जनरेशन है, वो और अच्छा करेंगे, और मैंने भी वही बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने उनसे भी यही विनती की कि ये अपने स्पोर्ट्स को, ओलंपिक स्पोर्ट्स को और ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि और अच्छे बच्चे निकल के आएँ और हम और ज़्यादा। Exactly, नीरज, आज आपका ये इंटरव्यू एबीपी के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, थैंक यू। नौजवान को आपको क्या सलाह दोगे? मैं बस उनको ये सलाह दूंगा कि आप जो भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स ही हो, चाहे आप पढ़ाई में हो या डांस सिंगिंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी मेहनत से, लगन से करो, और आपको पक्का उसमें सक्सेस मिलेगी। नीरज, एक आखिरी सवाल, हम वो गोल्ड मेडल देखना चाहते हैं, 125 साल हम लोग तरस गए थे इसका रंग देखने के लिए, आपने आज वो दिखाया, आप मेरे साथ कह लेंगे जय हो, जय हो, जय हो, जय ही। ABP News आपको रखे आगे।